नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज एटीन मैप आपके साथ विनय अग्निहोत्री आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं चाय वाला के डायरेक्टर आरिन रत्नेश जी सर बहुत बहुत साहस न्यूज एटीन पर वेलकम कैसी शुरुआत रही जर्नी अब तक की से वाला की अगर हम बात करें सो सात साल पहले अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो मैं मैंने एम किया था और उसके बाद मैंने एम पी एम किया पुणे यूनिवर्सिटी से लेवल लॉ उसके बाद मैंने सात साल एज एच आर जॉब किया है एच जॉब करते करते मैं कॉर्पोरेट एच में भी रहा हूं और जब जॉब करते करते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं जॉब से बेहतर कोई बिजनेस कर सकूँ सो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लाइक मिसने चाय पति का मैं काफ़ी मतलब चाय का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ मतलब मुझे एक दिन में सात सात कप चाय भी लग जाती है सो आई थॉट कि थाट स्टार्ट अ कैफ़े मतलब कहते हैं तो मैंने प्लान किया कि मैं मलाड में कैफ़े स्टार्ट करूँ चाय वाला नाम से लेकिन आ, कुछ सिचुएसन ऐसी रही कि मैं कैफ़े स्टार्ट नहीं कर पाया लेकिन देन मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हम मैं एक कैफ़े की जगह क्यों ना मैं एक ब्रांड स्टार्ट करूं जो चाय वाला तक पहुंच सकें सो so, मैंने चाय वाला की चाय पत्ती कर करके ब्रांड सोचा एंड देन मैंने एक कंपनी स्टार्ट की हरीतिमा फूड प्रोडक्ट्स एंड uh, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही जर्नी क्योंकि जब मुझे चाय पत्ती टेस्ट करना रहा मतलब सबसे पहली बार जब मैं आसाम गया था चाय पत्ती की चायपती के लिए तो ऑलमोस्ट मुझे आ, सत्तर घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद मुझे जो लोकेशन है सिलचर पे मैं वहाँ पहुँच पाया था मुंबई से एंड काफ़ी स्ट्रगल भरा भी रहा वाला सफ़र लेकिन आज अगर उस चीज़ को देखूँ तो हम लोग इतने सक्सेसफुल हैं कि हमने पाँच लाख से स्टार्ट किया था और आज हमारा टर्न ओवर एक करोड़ अट्ठाईस लाख पर चला गया है सर तो मैं अगर बात करूँ कि इस दा चाय वाले नाम से जो आपने कंपनी स्टार्ट की आपका जो फ्रेंचाइजी है तो क्या क्या चैलेंजेस आए इस दौरान आप चैलेंजेस uh, में अगर देखा जाए तो इनिशियली हमें उतना नॉलेज नहीं था बजट uh, कम था और हम लोग सेल्फ सस्टेन की आज तक हमने किसी से मदद नहीं ली कोई फ़ंडिंग नहीं ली राइट सो इनिशियली जो हमें चैलेंजेस रहे मार्केट में अपने आप को uh, उतारने को लेकर थे एंड हमने वही डीलर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के साथ हम मार्केट में गए uh, लेकिन ऐसा uh, काफ़ी बार हुआ कि क्रेडिट में हमारा काफ़ी लॉस हो गया लाइक like चार से पाँच लाख रुपये या आठ लाख रुपये तक भी जो दो हज़ार में है जो कि हमारा नहीं आ पाया था लेकिन उसके बाद एक समय तो ऐसा आया कि शायद हमें कंपनी बंद कर देना चाहिए लेकिन बट फिर भी कुछ ऐसे हालात बनते रहे कि हमने जो करोना आ, या उसके पहले का जो पीरियड है उसमें हमने अपने को ट्रेडिशनल मार्केट से फ्लेवर टी के मार्केट में लेकर आए और हम आज हमारा मार्केट में मोनोपोली भी है लाइक मतलब फ्लेवर टी के मार्केट में अगर आप देखेंगे तो हम टॉप थ्री या टॉप फोर में आते हैं अक्रॉस इंडिया आपके पास कितने प्रकार की जो है चाय पत्ती मिलती है अगर मैं बात करूँ तो आपको हमारे पास सत्रह Uh, से अट्ठारह तरह की चाय पत्ती मिल जाती है एंड मोस्टली मैं खुद भी एक सर्टिफाइड टी टेस्टर और ब्लेंडर हूँ मैंने एन दार्जिलिंग से कोर्स किया है सो so, uh, हम लोग खुद के ब्लैंड करते हैं सारे एंड इसमें जो बेसिक जो सबसे ज़्यादा चलता है उसमें अगर मैं दिखाना चाहूँ तो पान और uh, जो रोज़ है फ्लेवर्स इसके अलावा मसाला अदरक इलायची पान चॉकलेट रोज़ ये जो छह फ्लेवर्स हैं बहुत ज़्यादा चलते हैं एंड uh, हम लोग आज टी बोर्ड ऑफ इंडिया सर्टिफाइड हैं एंड uh, गवर्नमेंट की जो एजेंसी है कॉफ़ी बोर्ड उसके मेम्बर भी हैं और हम लोग फ्लेवर्ड कॉफ़ीज़ में भी डील करते हैं जो कि हम लोग खुद ही ब्लेंड करते हैं तो कि आप चाय पत्ती मंगवाते हैं कहाँ से हैं चाय पत्ती या फिर कॉफ़ी या जो आप जो आप फ्लेवर से खुद आप इसको अपने यहाँ बनाते हैं या फिर वो बना बनाया जाता है फ्लेवर आ, नहीं चाय पत्ती हम लोग डेफिनेटली आसाम से ख़रीदते हैं अपर आसाम जो आ, है मतलब डिब्रूगढ़ वगैरह एरियाज़ में एंड इसके अलावा जो ब्लैंड करते हैं मसाले का हमारे खुद के इन्ग्रडियंट्स हैं हम लोग अलग अलग जगह से इंडिया से मसाले बुलाते हैं उनको खुद ही ब्लैंड करते हैं पीस के और उनको अपने रेसोज़ में अपने आइडियाज़ के हिसाब से मतलब डेवलप करके और ब्लेंडिंग करते हैं कौन से मसाले मंगाते हैं आप मसाले में हमारे पास ऐसे तो जिंजर भी हो जाता है और रोज़ हो जाता है पान के लिए भी हम लोग काफ़ी डिफरेंट मसाले लेते हैं और मसाले में ऐसे हमारे पास जैसे ईरानी मसाला आता है बॉम्बे मसाला आता है और बेसिक मसाला आता है इनको हम दस अलग अलग तरह के मसालों से मिक्स करके बनाते हैं राइट बात करूँ सर अगर सेलिंग की तो आप कहाँ कहाँ जो अपना चाक चाय पत्ती आप बेचते हैं अगर हम चाय पत्ती की बात करें तो मैं केवल इंडिया नहीं लूँगा आउट ऑफ इंडिया में भी वी आर सेलिंग मिशन है हम लोग अभी इंडिया में तो ऐसा कोई भी सिटी नहीं होगा जहाँ हम सेल नहीं करते हैं बिकॉज करेंटली हमारे पास दस हज़ार रेस्टोरेंट्स और कैफेज हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं जिन्हें हम प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें काफ़ी लोग हैं जिनका चेन सिस्टम खड़ा करने में हमने मदद की है फ्रेंचाइजी सिस्टम्स को और आउट ऑफ इंडिया हम लोग बांग्लादेश श्रीलंका भूटान ऑस्ट्रेलिया कैनेडा और आ, ब्रिटेन और यूएसए में भी सेल करते हैं एंड इवन हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें हमने रिसेंटली कनाडा में भी काफ़ी सारे कैफेज़ हैं जिन लोग को यहाँ बुला ट्रेनिंग देकर मतलब पहुँचाया है ताकि चाय कैसे बनाएं इसमें भी हम लोग लोगों को सिखाते हैं कि चाय कैसे बेसिक बनाई जा सकती है बेहतर अगर मैं बात करूँ कि चाय पत्ते आपके प्राइस क्या है और हाईएस प्राइस क्या है और इसे ख़रीदने का प्रोसेस क्या होता है क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास दो तरह का मार्केट एक तो रिटेलिंग है और एक होल है मोस्टली हम लोग होल में ज़्यादा डील करते हैं सो so, रिटेलिंग हम लोग के प्रोडक्ट्स जो चाय वाले की चाय पत्ती या कॉफ़ी वाला है ये लोग अमेज़न से परचेस कर सकते हैं और आ, हमारी खुद की वेबसाइट भी है हरितिमा फूड डॉट कॉम वहाँ से परचेस कर सकते हैं कॉफ़ी uh, के जो रेट हैं वो हमारे जो स्मॉल पैकेट्स हैं वो करीबन ढाई से तीन सौ का मिल जाता है पचास ग्राम का एंड चाय पत्ती हमारा जो ढाई ग्राम का पैकेट ही चलता है रिटेलिंग में दैट कॉस्ट अराउंड साढ़े तीन मतलब लेकिन अगर इन्हीं चीज़ को आप होल में जाते हो तो होल में हमारा एक फिक्स देते हैं कि आपको 10 से 20 किलो खरीदना है वो काफ़ी सस्ता मिल जाता है आपको मतलब करीबन साढ़े चार सौ पाँच सौ रुपये किलो ऐसा इस कंपनी के आपके साथ है। कितने लोग और जो जुड़े हैं जो आपके साथी हैं जी हाँ मेरी कंपनी मैं हम लोग वैसे तीन डायरेक्टर्स हैं सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हैं और बाकी हम लोग मतलब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर से काफ़ी लोग रोजगार देते हैं करीबन हमारे पास अभी दस से बीस लोग की टीम है इन हाउस और uh, it, लेंग में लेंग में आउट ऑफ इट वेट लैंगमलाने हम काफ़ी लोगों को आउटसोर्स करते हैं काम लाइक कैसे पचास से सोलों के जन लोगों का इससे जॉब चल जाता है हमारे बिजनेस बात करूं कि मध्य प्रदेश में आप कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी चाय पत्ती को मध्य प्रदेश में हम लोग ऑलमोस्ट uh, सारे शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें हल्दा है uh, ग्वालियर है छिंदवाड़ा है इंदौर है भोपाल में भी काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं भोपाल में मोस्टली हमारा प्लेन टी का काफ़ी अच्छा मार्केट है बजाय फ्लेवर टीज का और अगर फिफ्टी टू हैं तो ऑलमोस्ट Uh, मतलब सारे रीजंस अगर जबलपुर संभाग वगैरह ले लेंगे ले ले तो वहाँ पर ही सब्जू सप्लाई होता है बट हमारे सबसे बड़ा मार्केट यूपी और बिहार है आज के समय में आगे क्यों क्या प्लान्स हैं आप जो है आपकी जो कंपनी है ये हरितिमा फूड प्रोडक्ट को लेकर आ, आगे के हमारी जो प्लान है कि हम लोग अभी तक जैसे कोरोना के बाद भी हमने काफ़ी सारे कैफेज़ और रेस्टोरेंट्स को एक ही साल में 200 से 250 सौ रेस्टोरेंट्स और कैफेज़ को हमने डेवलप किया था या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई थी सेम टाइम अभी हम लोग खुद की फ्रेंचाइजी लेकर आना चाहते हैं जिसको हम तीन कैटेगरीज में लाना चाह रहे हैं ढाई लाख पाँच लाख और दस लाख रुपये ताकि लोग हमसे माल भी इजिली ले सकें उसको आगे भी सेल कर सकें और अपने खुद के कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी चला सकें राइट थैंक यू सो मच सर जो बात करने के लिए यस वेलकम राइट